हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग का मतलब क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, इंडिया को एक नए एज, नए डेवलपमेंट में अगर लेके जाना है तो सरकार ने नीति आयोग इसकी स्थापना करी। अब जनवरी 2015 में नीति आयोग जब एस्टैब्लिश करी, तो सर ऐसा क्या सोचा था नीति आयोग को किसने, मतलब नीति आयोग आने से पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन थी, नीति आयोग के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, इन्होंने क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करी है? क्या आप सब नीति आयोग के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? सो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नीति आयोग के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1951 में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जिनके ऑब्जेक्टिव्स थे कि अपने देश में 5-year प्लान्स बनाए और अपना जिस तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ हो उसका प्लानिंग कमीशन ध्यान रखता था। अब प्लानिंग कमीशन ओवर द पीरियड, भाई जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो उस वजह से प्लानिंग कमीशन इतना इफेक्टिव नहीं रहा, और उस वजह से जनवरी 1, 2015 में नीति आयोग की स्थापना करी गई। तो जो नए आइडियोलॉजिस्ट थे, ये जो अपनी नियो लिबरल इकोनॉमी जो हो रही थी, तो इन सब के वजह से प्लानिंग कमीशन जो है ये काफ़ी इनइफेक्टिव थी, और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग केम इनटू पिक्चर। बट सर, ये आपने जब बताया अभी नियो लिबरल, तो सर इसका मतलब क्या है? दोस्तों, नियो लिबरल मतलब हम लोग देखते हैं कि आज के तारीख में कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट की जो दखलंदाजी है, ये सारी चीज़ें कम हो चुकी है। तो इस सब के वजह से पॉलिसीज के ऊपर एम्फसिस दिया गया है। इस वजह से देयर वाज अ कोलैप्स ऑफ द प्लानिंग सिस्टम एंड दिस कॉल्ड फॉर चेंज, एंड देयरफॉर टुडे वी सी दैट नीति आयोग इज इन प्लेस। तो दोस्तों, हमें ये समझ में आ चुका है कि नीति आयोग क्यों एग्जिस्टेंस में आया। अब जब हम लोग बात करते हैं कि आज के तारीख में नीति आयोग से हम चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारा एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट करें, और साथ ही साथ देयर शुड बी व्हाट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिससे अपना नेशन ग्रो। अब सर, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या फंडा है? सो देखिए दोस्तों, हम जैसे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो वैसे ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये सारे साथ में आके इकट्ठा वन नेशन का ग्रोथ हम लोग एम करते हैं, और इसलिए नीति आयोग ये एक मोमेंटम अपने ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। और इसलिए नीति आयोग जो है, इट इज अ थिंक टैंक, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द डायरेक्शंस, पॉलिसीज आपको प्रोवाइड करी जाएगी, और उसी के साथ साथ इस बदलते दुनिया में, इस बदलते दौर में नए नए पॉलिसीज, प्रोसीजर्स कैसे इंप्लीमेंट करें एज अ नेशन हम लोग ग्रो करने के लिए, नीति आयोग का ये मेन काम है। सो दोस्तों, ये जो पॉलिसी डायनामिक्स जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि अलग अलग पॉलिसीज फॉर्म्यूलेट करना, इंप्लीमेंट करना और उसे समय के हिसाब से एडजस्ट करना, ये सब डायनामिक्स, ये डायनामो पॉलिसीज को लेके नीति आयोग प्ले करता है। तो चलो अभी स्टेप बाय स्टेप एक एक बढ़िया से बढ़िया ऑब्जेक्टिव्स कि जिसके लिए दिस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू पिक्चर, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर वन, नीति आयोग का एक शेयर्ड विजन है ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। सारे जो सेक्टर्स है, स्ट्रेटजीज है, सारे नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक साथ आए और देश की तरक्की के लिए काम करें। नंबर टू, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब, जैसे मैंने कहा आपको, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे के सारे एजेंसीज साथ में आएंगे और काम करेंगे, और जिससे एक स्ट्रॉन्ग स्टेट्स विल मेक व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग नेशन। अगर हर एक स्टेट अगर स्ट्रांग होती है तो कलेक्टिवली अपनी कंट्री एक स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर थ्री, हम बात कर रहे हैं अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल एंड एग्रीगेट ऑफ दीज विल प्रोवाइड अस विद अ हायर लेवल्स ऑफ व्हाट द गवर्नमेंट प्रोग्रेस।
जैसे अगर हम लोग ग्रास रूट लेवल पे अगर अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाए तो ये विलेजेस, ये डिस्ट्रिक्ट्स, ये स्टेट्स एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिससे नेशन एज अ होल हम लोग ग्रो कर सकते हैं. नंबर फोर, वी फोकस अपॉन द नेशनल इंटरेस्ट, द नेशनल सिक्योरिटी. तो नीति आयोग इनके ऊपर भी फोकस करता है अपने नेशनल सिक्योरिटीज को लेके. नंबर फाइव, वी गिव स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एंड that may be at risk for not benefiting adequately from the economic progress. देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं कि अपने देश में हर एक व्यक्ति का, चाहे वो एकदम लो इनकम अर्नर हो या हाईएस्ट इनकम अर्नर हो, हर एक व्यक्ति को भारत देश के जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसका बेनिफिट हर एक नागरिक को मिलना चाहिए. सो नीति आयोग यही फोकस करता है कि सबको इससे बेनिफिट मिले और कोई भी सेक्शन ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी ये इससे वंचित ना हो. नंबर सिक्स, नीति आयोग इज टू डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेसेस एंड देयर एफिशिएंसी. स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, ये सब बनाया जाएगा देश के विकास के लिए. और सिर्फ पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाई नहीं जाएगी, इन पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज के ऊपर मॉनिटरिंग भी होगा, उसके ऊपर ध्यान भी रखा जाएगा कि जो स्ट्रेटजीज में हम लोग एम कर रहे हैं, जिसके लिए पॉलिसीज हमने इंप्लीमेंट करी है, क्या उसके हिसाब से काम हो रहा है ना, और वो सक्सेसफुल रिजल्ट्स हम डिलीवर कर रहे हैं. नंबर सेवन, टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप बिटवीन की स्टेक होल्डर्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स. तो यहाँ पे जितने भी रिसर्चर्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट्स है, हम चाहते हैं कि इन सब का इंटीग्रेशन हो और सब के सब देश के विकास में जुड़ जाए. नंबर एट, टू क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ अ नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर्स एंड अदर पार्टनर्स. जिससे हम लोग एम करें कि कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो सारे इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इंस्टीट्यूशंस, दे वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री थ्रू कोलैबोरेटिव सपोर्टिव सिस्टम. कोलैबोरेटिव मतलब सब साथ में आएंगे. नंबर नाइन, टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशूज. अलग अलग सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेके अगर हम लोग बात करें फाइनेंस सेक्टर, या हम लोग बात करें इंश्योरेंस सेक्टर, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं इस दुनिया में, इस देश में, हम वो सारे सेक्टोरल डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं. रेजोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्विंग, इंटर सेक्टोरल, इंटर डिपार्टमेंटल मतलब गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं आप समझिए उनमें अगर कोई भी अगर डिफरेंसेस है तो नीति आयोग विल एम टू सॉल्व दोज डिफरेंसेस. नंबर 10, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर एंड बी अ रिपोजिटरी ऑफ रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प द डिसेमिनेशन टू देयर स्टेक होल्डर्स. मतलब क्या है, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज होने चाहिए कि जिससे हम लोग सिर्फ तरक्की ना करें बट तरक्की करें सस्टेनेबल वे में. मतलब जो भी रिसोर्सेज है वो आज के आज यूज करके एनवायरनमेंट को डैमेज करके लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम लोग ना सोचे तो उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे. तो हमारा एम होगा ऐसे रिसोर्सेज हम लोग बनाए कि जिससे हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तो करे ही करे बट ये सस्टेनेबल रहे, आज से आने वाले जो अगली जनरेशन है ये भी इस पॉलिसीज का बेनिफिट ले सके. नंबर 11, हम बात करते हैं दैट नीति आयोग विल एक्टिवली मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम्स. नीति आयोग हैज लॉन्च्ड एन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स. इसके अगले पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के लेटर पार्ट में, हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं कि कौन से प्रोग्राम्स नीति आयोग ने लॉन्च किए हैं. तो इन सारे प्रोग्राम्स के ऊपर मॉनिटर करना है और उनके जो रिजल्ट्स है क्या वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं, उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है.
नंबर 12, बच्चों हम फोकस करते हैं ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। जो भी हम लोग आज के तारीख में देखते हैं कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं, आज हम लोग ये टेक्नोलॉजी हमने एक्सेप्ट करी है, तो इससे रिलेटेड पूरे जो प्लान्स और प्रोग्राम्स है इसमें पार्टिसिपेशन नीति आयोग भी करेगी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? तो दोस्तों ये 12 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग केम इनटू पिक्चर। अब इस नीति आयोग के फटाफट हम लोग कुछ स्लाइड्स देखते हैं कि नीति आयोग ने कौन से जो पॉलिसीज है, प्रोग्राम्स है, उन्हें लॉन्च किया है। तो एक एक स्लाइड आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दीज वर द प्रोजेक्ट्स विच आर लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। So let's discuss. So the key initiatives by Niti Aayog are number 1, life, जो focus करता है on the prevalent use and dispose economy. Number 2, national data and analytics platform, which facilitates and improve access to Indian government data. Number 3, Shunya campaign, वो aim करता है on improving air quality in India by having electric vehicles. Number 4, E-Amrit, ये ऐसा initiative है which is a one-stop destination for all information on electric vehicles. तो electric vehicles की जानकारी चाहिए, E-Amrit ये योजना शुरू की गई है. Number 5, India Policy Insights. Number 6, we are focusing upon methanol economy. अब ये methanol economy जो है, इसमें हम लोग focus कहाँ कर रहे हैं? On reducing India's oil import bill, converting coal reserves and municipal solid waste into methanol. तो ये जो है, इसे हम लोग कहते हैं methanol economy. तो ये ध्यान में रखना, methanol economy बनाना है मतलब अपना oil import कम करना है, greenhouse gases को reduce करना है, converting of the coal. तो ये सब हम लोग focus कर रहे हैं. Number 7, transforming India's gold market, constituted by Niti Aayog to recommend measures for tapping into the potential of the sector and provide stimulus to exports and economic growth. So Niti Aayog wants to transform our India's gold market. इसमें growth लाने की पूरी कोशिश की जा रही है. तो दोस्तों ये थे कुछ 7 initiatives जो Niti Aayog ने launch किए गए थे. But दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो नीति आयोग है इसका जो है एक काफी लिमिटेड रोल रहा है. लिमिटेड रोल इन द सेंस क्या सर? तो लिमिटेड रोल में वो कहते हैं इस सिस्टम के अंदर वीकनेस, इट डज नॉट प्रोड्यूस नेशनल प्लान्स, कंट्रोल एक्सपेंडिचर्स और रिव्यू स्टेट प्लान्स. ये मतलब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, इसके ऊपर कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है. उसके बाद नीति आयोग का मेजर शॉर्टकमिंग क्या है कि इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बजट मेकिंग प्रोसेस. अब बजट मेकिंग प्रोसेस में बजट्स में हम लोग देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट, कौन से सेक्टर, कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन से पॉलिसीज के लिए कितना खर्चा करना है, कितना पैसा उसके लिए एलोकेट करना है, साइड में रखना है. बट नीति आयोग को दोस्तों इस बजटिंग प्रोसेस से दूर रखा गया है. उसी के साथ साथ नीति आयोग के आने से और प्लानिंग कमीशन के हटने से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ताकत तो मिली है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं है. बट नीति आयोग इट लैक्स इंडिपेंडेंस ऑन अकाउंट ऑफ द काउंटरवेट टू एक्ट एज अ वॉइस ऑफ डेवलपमेंट. सो ये जो है ना डेवलपमेंट को लेके ये अपना ओपिनियन इतना कुछ खास रख नहीं पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सामने. सो दिस इज गाइज अबाउट द नीति आयोग. So hope you guys have enjoyed this video and found it much informative about Niti Aayog. Thank you.